हेलो फ्रेंड्स, आज वर्कशॉप में हम इस सिंक्रोनस मोटर पर 100 वाट का बल्ब जलाएंगे, क्योंकि किसी ने मुझे कमिट किया था कि आप सिंक्रोनस मोटर के द्वारा 100 वाट का बल्ब जला के दिखाओ। आप ये नॉर्मली मोटर देखते हो उसका शाफ्ट उसके सेंटर में होता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर का साइड में है। और जो दूसरा मोटर रहता है उसका शाफ्ट आप इजिली रोटेट कर सकते हो हाथ से, बड़े बड़े मोटर का भी, लेकिन इस छोटे से सिंक्रोनस मोटर का आपका जो ये शाफ्ट है आप हाथ से इजिली नहीं रोटेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वोल्टेज को चेक करते हैं कि कितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है और वो भी बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर के स्विच को एसी के रेंज पर डाल देंगे और फिर हम इसका जो दोनों वायर है इसे हम इसमें लगा देंगे, इसके प्रोब में। फिर हम इसके शाफ्ट को हम रोटेट करेंगे, देखते हैं कितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। इसमें एक होल है, इसमें हम इस स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे और रोटेट करेंगे। ये आप देखना, इसमें जब हम इतना धीरे धीरे रोटेट करते हैं तो ये कितना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करता है। ये एसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है और ये 200, 300, 350 ये इजिली वोल्टेज जनरेट करता है इतना। तो फिर चलिए अब हम इस सिंक्रोनस मोटर के द्वारा 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो इसे हम इसका वायर डिस्कनेक्ट करके हम इस बल्ब के होल्डर का जो वायर है इसे हम दोनों सिंपली कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट को रोटेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जब हम इसके शाफ्ट को कितना भी ज़्यादा स्पीड में रोटेट करते हैं तो इसका ये 100 वाट का बल्ब नहीं जलता है। अब हम 9 वाट का LED बल्ब लगाते हैं, ये हम जला के देखते हैं ये जलता है या फिर नहीं जलता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये अभी भी नहीं जल रहा है, 9 वाट का बल्ब भी नहीं जल रहा है। इस सिंक्रोनस के द्वारा ना ही 100 वाट का बल्ब जला और ना ही 9 वाट का LED बल्ब। तो चलिए हम जानते हैं आखिर क्यों नहीं जला। इससे जो वोल्टेज जनरेट होता है वो हाई वोल्टेज तो जनरेट कर लेता है, लेकिन इससे जो एम्पियर जनरेट होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.00 कुछ। इसीलिए इसके द्वारा ना ही बल्ब जला 100 वाट का और ना ही LED बल्ब जला।